नमस्कार, फार्मिंग इक्विपमेंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 DI के MS वेरिएंट के बारे में, जो कि एक 50 HP ट्रैक्टर है। तो देखते रहिए फार्मिंग इक्विपमेंट। ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये नोवो 605 DI का MS फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट है, जो कि महिंद्रा ने काफ़ी यूनिक स्टाइल में डिज़ाइन किया है और ये सिंगल पीस बोनेट के साथ मिलेगा। बात करें इसके टायर साइज़ की, तो इसमें फ्रंट टायर 8/3/24 और रियर टायर 14/9/28 के मिल जाते हैं। और अब बात करें इसके इंजन की, तो इसमें 3192 cc का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 2100 RPM पर 50 HP की पावर जनरेट करेगा और ये बोस कंपनी के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ आता है। और अब एयर फिल्टर को देखें, तो इसमें ड्यूल एलिमेंट ड्राई टाइप एयर फिल्टर मिल जाता है। और अब बात करें गेयरबॉक्स की, तो इसमें शटल गियर के साथ साइड शिफ्ट में पार्सल सिंक्रोमैस गेयरबॉक्स मिलता है, जिसमें 15 फॉरवर्ड और 15 रिवर्स स्पीड दी गई है। वहीं पर बात करें इसके क्लच की, तो इसमें डबल क्लच मिलता है। डबल यानी PTO के लिए लीवर अलग से दिया गया है, जिससे चलते ट्रैक्टर में PTO को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इस साइड इसमें 2 लिफ्ट कंट्रोल्स मिलेंगे, जिनमें एक पोजीशन और दूसरा ड्राफ्टिंग के लिए है। डैशबोर्ड को देखें, तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा, जिसमें क्लस्टर जो है वो एनालॉग टाइप में काफ़ी यूनिक स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको इंजन से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस साइड इसमें हैंड एक्सेलरेटर मिल जाता है। प्लेटफॉर्म को देखें, तो इसमें फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसको काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ताकि ट्रैक्टर को ड्राइव करते समय ज़्यादा कंफर्ट मिल सके। और इसके क्लच और ब्रेक पैडल जो हैं वो सस्पेंडेड टाइप मिल जाते हैं। फ्रंट एक्सल को देखें, तो इसमें काफ़ी हैवी फ्रंट एक्सल मिलेगा, जिस पर लोडर या डोजर का यूज़ भी आसानी से कर सकते हैं। वहीं पर स्टेयरिंग की बात करें, तो इसमें ड्यूल एक्टिंग हाइड्रोलिक स्टेयरिंग मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। और वहीं पर नीचे इसमें फ्रंट व्हील को पावर देने के लिए प्रोपेलर शाफ्ट लगाई गई है, जिसको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर भी किया गया है, ताकि कोई भी फसल अवशेष या खरपतवार इसमें ना फंसे। और ब्रेक की बात करें, तो इसमें OIB ब्रेक मिलते हैं। OIB यानी तेल में डूबे हुए, जिनमें लंबे टाइम तक मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। रियर साइड देखें, तो इसमें डबल सेंसिंग पॉइंट लिफ्ट 1800 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ मिलती है। और वहीं पर बात करें PTO की, तो इसमें 6 अप्लाइंस में 540 स्टैंडर्ड PTO के साथ रिवर्स और ड्यूल PTO दोनों का ऑप्शन मौजूद है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। इसके बाद रियर एक्सल को देखें, तो इसमें प्लानिटरी ड्राइव रिडक्शन दी गई है, जिससे ट्रैक्टर की किसी भी इम्प्लीमेंट या ट्रॉली को खींचने की ताकत बढ़ने के साथ साथ क्राउन पिनियन के टूटने का रिस्क भी नहीं रहता। और वीडियो के अंत में बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत हरियाणा स्टेट में 8,30,000 है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।